draw a light ray striking the concave mirror and getting reflected from it following the law of reflection, कौन बता पाएगा? बहुत कॉमन बात है, स्कूल लेवल से पढ़ रहे हो। क्या वो मेन बातें हैं जो हम फॉलो करते हैं टू ड्रॉ रे डायग्राम इन रिफ्लेक्शन? कॉनकेव मिरर में वो किस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि हमें किस तरह से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है ताकि गिवन ऑब्जेक्ट का इमेज को हम डायग्राम वाइज उसका पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सके या समझ सके। पहला पॉइंट होता है कि अगर मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हर हाल में फोकस के थ्रू पास करेगा। कोई भी इंसिडेंट रे अगर कॉनकेव मिरर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया जाए, समझ रहे हो कि नहीं, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया जाए तो वो फोकस से पास करेगा। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रे डायग्राम। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, इसका वजह क्या है, यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो हो रहा? अगर तुम इस लाइट रे को, फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए बी इंसिडेंट रे, बी एफ मान लो, बी एफ डी ये मान लो रिफ्लेक्टेड रे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर और इंसिडेंट पॉइंट, जहां इंसिडेंट रे हिट कर रहा वहां ज्वाइन करेंगे, तो ये लाइन हो जाएगा नॉर्मल, ये लाइन हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है? और फिर ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेरिफिकेशन कन्फर्म हो जाता है, ये वेरीफाइड हो जाता है कि फॉर इंसिडेंट रेज ड्रॉन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल डेफिनेटली पास थ्रू द फोकस, ठीक है? ये गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, एनी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो लाइट रे उसी पाथ में वापस आएगा। कारण क्या है? ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस है, कारण सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हम मिरर का किसी भी पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो रेडियल लाइन है। एक एक सर्कल पे या स्फेयर पे कोई भी लाइन जो थ्रू सेंटर पास करता है वो रेडियल लाइन है उस कर्वेचर के लिए। तो यानी कि जहां भी वो हिट करेगा ऑन द कर्वेचर, इट इज अ नॉर्मल लाइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो दैट इज द रीजन वाई नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट उसी पाथ पे ही वापस आएगा। क्लियर है सबको? तो चलो, ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा क्या कर सकते हैं? तीसरा ये है कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर खुद फोकस से पास करे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। यदि दैट इज रिवर्स ऑफ, ये जैसे मान लो ये प्रोसेस वन था, ये प्रोसेस टू है ना, तो प्रोसेस थ्री उसी तरह से सोच सकते हैं। एक लाइट रे को अगर मैं फोकस से पास कराऊं, ठीक है, एक लाइट रे को फोकस से पास कराया तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये थर्ड टाइप है रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने का, ये तीसरा मोस्ट कन्वीनियंट है। और एक और चौथा भी हम कर सकते हैं जो सिर्फ पोल पर, मतलब कोई इंसिडेंट रे को अगर मैं डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर या पोल पर हिट कराया, ठीक है,
तो वो फिर इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये इन जनरल ये चार प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. क्लियर है? क्या क्या चार बात हो गया? पहला कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू पास करेगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट ये हुआ कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल इंसिडेंस, और उस केस में लाइट रे रिट्रेस करेगा यानी इंसिडेंट रे के पाथ में ही वापस जाएगा. तीसरा क्या है कि अगर कोई इंसिडेंट रे खुद फोकस ऑफ द मिरर से पास करे, खुद फोकस ऑफ द मिरर से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगा. चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि अगर मैं किसी इंसिडेंट रे को डायरेक्ट पोल या ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर पे हिट कराऊं तो तब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल का काम करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग लाइट रे विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. हम लोग इसके अलावा भी और भी रे डायग्राम्स, कोई भी रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. और हर केस में ध्यान रखना है टू डिसाइड द पोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम वेर एवर यू ड्रॉ द इंसिडेंट रे. जहां भी इंसिडेंट रे हिट करेगा मिरर पे तुम उस पॉइंट को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस का पोजिशन दिख जाएगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड द रिफ्लेक्टेड रे पोजिशन ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. क्लियर है इतना बात? मान लो कभी मेरे को ऐसे सिचुएशन है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है. ठीक है. मान लो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां है और मैं रे डायग्राम के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि इसका इमेज कहाँ होगा. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहां से तो मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं ड्रॉ कर सकता हूं. तो अगर ड्रॉ करूंगा तो मोस्टली ये क्या हो जाएगा, इट विल कॉन्साइड विद द प्रिंसिपल एक्सिस ओनली. तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक इंसिडेंट रे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं. तो ये इंसिडेंट रे तो हमारा ये जो चार मैं जनरल आइडिया ड्रॉ किया दिखाया हूं उसमें से तो ये नहीं है. है क्या? नहीं है. तो अब सवाल है कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं जो मिरर में हिट कर रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट पोजीशन, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो मैं कैसे समझूं कि ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ये इधर से पास करेगा या इधर से पास करेगा? इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं ए पॉइंट पर मान लो ऑन द मिरर इसको हिट कराया तो ए पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हम क्या करेंगे, सी और ए को जोड़ देंगे. सी और ए को जोड़ देंगे कारण सरकमफेरेंस में, सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट को कोई भी पॉइंट पे नॉर्मल लाइन कौन सा लाइन होगा, द लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर. हाँ या ना? सरकमफेरेंस का किसी भी पॉइंट को मैं सेंटर से जोड़ूंगा तो वही होगा उस पॉइंट पे नॉर्मल लाइन. तो उस तरह से मैं इस इंसिडेंट रे के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सी को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे लिए नॉर्मल नॉर्मल एट ए. तो जैसे नॉर्मल एट ए मेरे को मिल गया तो मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख गया ना, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. तो तय हो गया कि इसका मतलब पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे किधर होना चाहिए, टू द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे, और उससे हम पोजीशन ऑफ इमेज को ऑन प्रिंसिपल एक्सिस अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इमेज का पोजीशन कहाँ होगा.
आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया, दिस इज द सिंपलेस्ट आइडिया टू अंडरस्टैंड इमेज पोजिशन अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट बाई द यूज ऑफ रे डायग्राम. ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, आइदर इट इज बिटवीन सी एंड एफ और बिटवीन पी एंड एफ और बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट से ऑन द मिरर इंसिडेंट रे ड्रॉ करो, फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो तो तुमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे विल बी ऑन द अपेयरिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द नॉर्मल. ये नॉर्मल से इधर इंसिडेंट रे रहा तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्वियस है कि उधर जाएगा. तो इससे तुमको एक मोटा मोटा रूप में एक प्रोबेबल पोजिशन ऑफ इमेज दिख जाएगा कि उसका प्रोबेबल पोजिशन किधर होना चाहिए. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? हाँ, उसके बाद एग्जैक्ट इमेज डिस्टेंस, उसके लिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिर फॉर्मूला पे हमको गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे तो एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा. तो ये हो गया रे डायग्राम्स रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात.